बीएड के सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन में ऑनर जो लैंग्वेज ऑनर के हैं वो कॉम्बिनेशन शामिल है, उसमें क्या प्रॉब्लम है कि ये फर्स्ट केस ऐसा है कि जिसमें दोनों कॉम्बिनेशन लैंग्वेज ही मोस्टली बनते हैं। दूसरी क्या प्रॉब्लम है इसमें कि एक तो लैंग्वेज लैंग्वेज कॉम्बिनेशन बनेगा, ये बात हो गई है ना, एल एल हो गया, एल फॉर लैंग्वेज मेजर और माइनर भी। दूसरा कॉलेज अवेलेबल, कॉलेज अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा कम। दैट इज वाई आपको मैट्रिक्स में अच्छे से देखना होगा कि लैंग्वेज लैंग्वेज कॉम्बिनेशन कहां बन रहा है। हाँ, हो सकता है कि लैंग्वेज लैंग्वेज आपका नहीं है, अगर आपने कोई और सब्जेक्ट कोई पॉलिटिकल साइंस है ये एक साल पढ़ा, कोई भी एक साल, मुझे नहीं पता, वो डीएम से देख के पता चलेगा। दैट इज वाई ये आपके लिए मेजर प्रॉब्लम है। अब आपका क्या कॉम्बिनेशन बनते हैं, ये साफ लिखा है, लैंग्वेज मेजर लैंग्वेज माइनर एलिजिबिलिटी एंड अवेलेबल इन कॉलेज, नोट इन केस ऑफ कैंडिडेट हु हैव डन ऑनर इन लैंग्वेज सच एज हिंदी पंजाबी इंग्लिश, दूसरे स्टेट में भी ये अप्लाई होता है, मेजर सब्जेक्ट विल बी लैंग्वेज। ओके, वो लैंग्वेज मेजर सब्जेक्ट आपका होगा, क्या होगा, जिसमें आपने ऑनर की है। फॉर एग्जाम्पल ऑनर आपने हिंदी की है तो हिंदी आपका मेजर सब्जेक्ट हो गया, आप मेजर सब्जेक्ट वो ढूंढोगे और कुछ भी नहीं आपके लिए, और कुछ भी नहीं है। बाकी आप मैं बाद में गाइड करता हूँ आप क्या बेटर कर सकते हो। सच कैंडिडेट वुड बी अलॉटेड टू माइनर सब्जेक्ट ओनली बाय द कॉलेज ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट ऑप्शन परमिसिबल टू द कैंडिडेट बाय द रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द सेम इन रिस्पेक्टिव कॉलेज। अब ये यूनिवर्सिटी कौन सी प्रोवाइड करती है, अमेरिका में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी नहीं प्रोवाइड करती, यहाँ नोट कोई दिया गया नहीं है। चलो आप खुद देख लीजिए ये कि किस कॉलेज में आपका ये अवेलेबल है। अब बात रही कि इनको आगे क्या करना चाहिए, जहाँ ये प्रॉब्लम, ये आपकी प्रॉब्लम है कि ब्रैकेट में बार बार लिखा है एलिजिबल एंड अवेलेबल इन कॉलेज, एलिजिबल एंड अवेलेबल इन कॉलेज, जो जिस कॉलेज में अवेलेबल है। अगर आप लैंग्वेज लैंग्वेज, हमारे पास, मेरे पास कई स्टूडेंट है, दीक्षा की याद आ रही है, उस एमए सॉरी ऑनर थी ना वो, उसने साफ में ऐसे किया था। चलो अगर ये ऐसा हो जाता है, अगर आपने एक सोशल साइंस पढ़ी हुई है, कोई भी पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है, कोई ऐसे एक साल पढ़ा हुआ है, तो लैंग्वेज आपका वो बन जाएगा। आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप इमीडिएट आफ्टर बी एड, जहां अगर ओपन यूनिवर्सिटी से आपने किया है तो आप साथ में भी ग्रेजुएशन का दे सकते हो, अदरवाइज रेगुलर से किया है तो आप बी एड, ये आपकी समाप्त हुई, यहां से शुरू हुई, एक दो तीन चार सेम खत्म हुआ, इसके बाद एडिशनल इमीडिएट आप कीजिए कोई सोशल साइंस का जिसमें आपका इंटरेस्ट है। सोशल साइंस के 13 सब्जेक्ट है, दूसरे वीडियो में दिए गए हैं, वो देख सकते हो। उनमें से आपको प्रेफर करना चाहिए हिस्ट्री जरूर करना चाहिए, जहां ज्योग्राफी, ज्योग्राफी का एडिशनल मेरे ख्याल में यूनिवर्सिटी लेती नहीं होगी, दैट इज वाई हिस्ट्री टॉप पर आ गई। हिस्ट्री के ये क्यों है, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय इसको प्रेफर करता है। ये दो सोशल साइंसेज आपने जरूर, एक जरूर पढ़ी हुई होनी चाहिए, बाकी 13 में से कोई भी हो, 11 में से। अच्छा, तो ये एडिशनल आप दीजिए, एडिशनल देने के बाद आप बीएड का एडिशनल भी दीजिए, आप फिर एडिशनल बीएड का, एक आपने ग्रेजुएशन का एडिशन देना है। फॉर एग्जाम्पल आपने सोशियोलॉजी और हिस्ट्री का दे दिया, ये इसलिए बोलता हूं कि दोनों इजी हैं रिलेटिवली, और एडिशनल फिर बीएड का आप दे सकते हो कि पेडागॉजी ऑफ एसएसटी, ठीक है। अगर आप किसी एक सोशल साइंस में इंटरेस्टेड हो, मान लीजिए हिस्ट्री में, तो आप पेडागॉजी ऑफ हिस्ट्री का बीएड का फिर एडिशनल पेपर दे दीजिए, मतलब आपको दो देने ही पड़ेंगे फिर आप एलिजिबल हो गए। उसके बिना आप लैंग्वेज के लिए डायरेक्ट एलिजिबल हो, जिसकी आपने ऑनर की है उसके लिए आप एलिजिबल हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, उसकी आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हो जिसमें ऑनर की है, हाँ, तो आप पीजीटी के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। आपको, आपके लिए सजेशन ये बेटर बन रहा है कि आप अगर हिंदी में आपकी ऑनर है तो आपको एमए हिंदी जरूर कर लेनी चाहिए, इंग्लिश है तो इंग्लिश की जरूर कर लेनी चाहिए। थैंक यू डॉक्टर तीरथ सिंह, रिलेटेड वीडियो के लिंक दिए गए हैं, अगर आप चाहते हो देख सकते हो, बीएड के साथ भी बीएड के बाद भी जुड़े रह सकते हो, क्योंकि गाइडेंस की जरूरत है, इवन पीएचडी रिसर्च तक किसी तरह की गाइडेंस की जरूरत है, आप पूछ सकते हो, अच्छा लगता है। थैंक यू।